क्या सोने का भाव फिर से 35,000 के नीचे आएगा? शादी ब्याह के लिए सोना कब खरीदें? सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे टुडे गोल अपडेट यूट्यूब चैनल पर ही। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्या सोने का भाव फिर से 35,000 के नीचे आएगा या फिर 50,000 का लेवल पार करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक और व्यूज के लिए आप सभी को बता देते हैं कि सोने का भाव इतना हजार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लाइक और व्यूज से कोई भी मतलब नहीं है। मैं जो इस वीडियो में आप सभी को सही सही बताऊंगा क्या सोने का भाव आने वाले दिनों में 35,000 हो जाएगा या फिर 50,000 का लेवल पार कर जाएगा, तो सारी कुछ जानकारी इसी वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार में देने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, साल 2020 में सोने का भाव रिकॉर्ड लेवल से तोड़कर 56,200 रुपया हो गया था, और अभी देखा जाए तो अभी सोने के भाव में तकरीबन 8 से 9 हजार रुपए की तक गिरावट देखी जा रही है, और आने वाले दिनों में और भी सोने के भाव में गिरावट आने की संभावना बताई जा रही है। और इस महीने सोने के भाव में थोड़ी सी आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगले फरवरी और मार्च महीने में आपको सोने के भाव में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस महीने में शादी ब्याह का सीजन अभी चल रही है, और जैसे ही शादी ब्याह का सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद से आपको सोने के भाव में गिरावट देखने को मिलेगी।